प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी अटकलों पर पूर्ण विराम लगते हुए भाजपा ने अपनी सभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में सोलन जिला मुख्यालय से डॉक्टर राजेश कश्यप का नाम आते ही भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। डॉक्टर राजेश कश्यप के नाम की घोषणा होते ही सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कमल के फूल को खिलाने की रणनीति बनाने में जुट गए। भाजपा के कार्यकर्ताओं का मानना है कि पिछले 5 सालों में सोलन में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ है। सोलन की जनता का शोषण किया गया है, जिसका जवाब देने का समय आ गया है। सोलन भाजपा मंडल के प्रेस सचिव मनीष ने डॉक्टर राजेश कश्यप को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की परीक्षा की घड़ी का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में सोलन से मंत्री व विधायक रहे धनीराम शांडिल द्वारा सोलन की जनता का शोषण किया गया है और सोलन में सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिससे सोलन की जनता त्रस्त है और चुनावों में कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एक डैम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता अपना बूथ सबसे मजबूत रखें, जिसके लिए दिन रात एक करके सोलन से बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत कर विधानसभा क्षेत्र में भेजेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों की लिस्ट केंद्र से जारी हुई है। अभी न्यूज चैनल से भी देखने पर देखा है, हमारे सोलन विधानसभा क्षेत्र के भी सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। उसमें माननीय डॉक्टर राजेश कश्यप जी को सोलन से उम्मीदवार लिस्ट में घोषित किया गया। तो हम पहले तो मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है, जो हमारे 10 से 12 दिन का समय दिन रात मेहनत करने का है। सभी भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर कांग्रेस को धूल चटाने के लिए तैयार है। उनको दिखाने के लिए जो 5 साल यहां के विधायक और मंत्री ने सोलन की जनता का शोषण किया है, यहां पर कोई काम नहीं किया है, उसका जवाब देने का समय आ गया है। सोलन की जनता से भी अपील की करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बूथ बूथ पर जाकर अपना बूथ सबसे मजबूत जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है, सभी कार्यकर्ता उस बूथ पर अपना दिन रात जोर लगाकर उस कड़ी मेहनत करेंगे, ताकि हमारा विधायक यहां से जाए और विधानसभा में सोलन का गौरव बढ़ाए।